दध्वम्। संवो मनांसि जानताम्। देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते इसका भाव यह है कि आओ हम सब मिलकर प्रेम से चले, प्रेम से बोले, आप सभी ज्ञानी बने और अपने पूर्वजों की भांति अपने कर्तव्य का पालन करें। 2 मिनट के लिए ध्यान में बैठेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद, माथा बिल्कुल ढीला, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। धीरे धीरे अपने श्वास पर ध्यान लगाएं। श्वास को आपने फोर्सली लंबा या छोटा नहीं लेना है, श्वास को नॉर्मल चलने दें। जब अपनी श्वास पर ध्यान लगाएंगे तो अपने आप ही वो धीरे धीरे लंबा होता चला जाएगा। एक बार फिर श्वास भरे, शांत बैठे, षण्मुखी मुद्रा बनाएंगे। दोनों अंगूठों से कानों को प्लग करें, पहली उंगली माथे पर, दूसरी आंखों पर, तीसरी और चौथी उंगली होठों के ऊपर नीचे। श्वास भरे, गुंजन स्टार्ट करें। कम से कम 4-5 बार करेंगे। कपालभाति करने से हमारे मस्तक पर चमक आती है और जो क्रॉनिकल डिजीज होती हैं, जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं, वो कपालभाति करने से दूर हो जाती हैं। डाइजेशन ठीक होती है और हमारे पेट के जितने भी रोग हैं, समस्त रोग कपालभाति से दूर होते हैं। हाई बीपी के पेशेंट बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे। जो हृदय रोगी हैं वो इस आसन को नहीं कर, इस प्राणायाम को नहीं करेंगे। सुखासन या पद्मासन में जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे बैठ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेंगे। पहली उंगली और अंगूठा की जो टिप है वो आपस में मिलाएं, 3 उंगलियां बिल्कुल सीधी, और आपकी हथेली का पीछे वाला भाग घुटने पर रहेगा। गर्दन और रीढ़ एक सीध में, आंखें बंद करें, श्वास नॉर्मल, माथा ढीला, धीरे धीरे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। पूरा श्वास बाहर निकालें, पेट अंदर की ओर खींच लें, धीरे धीरे पेट ढीला करते हुए नाभि से कंठ तक श्वास भरें। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। एड़ी पंजे घुटने सब मिले हुए, दोनों घुटनों को अब छाती के नजदीक लाएं और ग्रिप कर लें। श्वास भरते हुए घुटनों को अपनी ओर खींचें, पेट पर दबाव बनाएं, श्वास छोड़ते हुए गर्दन उठाते हुए नाक घुटनों के बीच में लगा दें। इकट्ठा कर दें पूरे शरीर को,
धीरे धीरे वापस, गर्दन नीचे, टांगे सीधी, श्री ढीला, शवासन में लेटे, दोनों पाँव में थोड़ा फासला, पाँव दाएं बाएं गिरा दे, दोनों हथेलियां शरीर से 7 से 8 इंच की दूरी पर, गर्दन बिल्कुल ढीली, पूरा शरीर बिल्कुल ढीला। मकर आसन की पोजीशन लेंगे, बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली, उसके ऊपर बायां कान रखें, गर्दन को घुमाएं, बायां कान हथेली पर, दोनों पाँव में थोड़ा फासला, बाहर की ओर खोल दे पाँव को, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर, दाएं बाएं गिरा दे पाँव, खोल दे दोनों पाँव, शीतलीकरण का अभ्यास। एड़ी पंजे मिलाएं, भुजंगासन करेंगे, दोनों हथेलियां कानों के दाएं बाएं, कोहनियां शरीर के साथ, माथा जमीन पर, धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को रीढ़ से लगाएं और धड़ को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, कोहनियां जमीन पर रहेंगी, ध्यान नाभि चक्र पर, आपकी दृष्टि ऊपर आकाश की ओर, धीरे धीरे वापस, पहले छाती, फिर ठोड़ी और फिर माथा नीचे लगाएं, दोनों हथेलियों को थोड़ा नीचे खिसकाएं, कंधों की जीत में कर लें, कोहनियां खड़ी हो जाएंगे, अभी माथा जमीन पर रहेगा, श्वास भरते पहले गर्दन रीढ़ से लगाएं, धीरे धीरे धड़ को ऊपर की ओर उठाएं, कोहनियां हाफ बेंडेड, लोअर बैक आपकी नीचे की ओर रहेगी, दृष्टि ऊपर की ओर, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आए, शासन करेंगे, घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दोनों घुटनों में कंधों जितना फासला, दोनों हाथ कमर पर, नितंबों पर रखें, धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं, फिर धीरे धीरे कमर को पीछे की ओर झुका दें, धीरे धीरे वापस सीधे, अब पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे, घुटनों में फासला, दोनों थोड़ा फासला करें कंधों जितना, दाएं हाथ को ऊपर की ओर से घुमाते हुए दाएं पांव ऊपर ले जाएं, एड़ी को पकड़े, बाएं हाथ को ऊपर की ओर से घुमाते हुए बाएं एड़ी को पकड़े, गर्दन पीछे की ओर झुका दें, कमर से भी झुक जाएं लेकिन घुटने सीधे रहेंगे, धीरे धीरे वापस, बाजू को घुमाते हुए आगे लेकर आए, फिर बाएं बाजू आकर आगे लाए, वज्रासन में बैठ जाएंगे, दाएं अब दोनों पांव घुटनों में थोड़ा फासला करें, यहीं से शशकासन में आएंगे, दोनों हथेलियां दोनों घुटनों के बीच में, धीरे धीरे दोनों हथेलियों के आगे की ओर खिसकाते जाएं, दृष्टि सामने की ओर, थोड़ी नीचे लगाएंगे, कोशिश करें कि आपके नितंब एड़ियों से ना उठे, इस आसन से तनाव और चिंता दूर होती है, समर्पण का भाव, धीरे धीरे हथेलियों को पीछे की ओर खिसकाएं, वज्रासन में आ जाएंगे, उत्तान मुंडूकासन, दोनों घुटनों में थोड़ा फासला, दोनों हथेलियां घुटनों पर, श्वास भरते हुए दाई बाजू ऊपर उठाएं, दाई हथेली बाएं कंधे पर,
फिर बाई बाजू पर उठाएं, बाई हथेली दाएं कंधे पर, दोनों कोहनियां ऊपर की ओर सीधी खींच दें, दृष्टि सामने की ओर, धीरे धीरे पहले बाई बाजू वापस लाएं, दाई बाजू वापस लाएं, वज्रासन में आ जाएं। दोनों हथेलियां घुटनों पर, एक बार फिर शशकासन की पोजीशन में आएंगे, धीरे 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 श्वास भरते वापस वज्रासन। मुकेश जी वज्रासन, दंडासन में आ जाएं। सॉरी आज मैं गलत कर रहा हूं। वक्रासन करेंगे, दाया पांव मोड़े बाएं घुटने के साथ, दाया हाथ पीछे, शरीर को पीछे की ओर घुमाएं, बाएं भुजा घुटने के ऊपर से लाते हुए बाएं दाएं पांव को पकड़ लें। आपका शरीर पीछे, जैसे दाई आपने दाई टांग मोड़ी है, दाई भुजा पीछे है, तो दाई और शरीर को घुमा दें, गर्दन पीछे की ओर, धीरे धीरे वापस बाजू घुमाते हुए वापस लाएं, टांग सीधी करें, दाई बाजू आगे ले, बाया पांव मोड़े दाएं घुटने के साथ, बाया हाथ पीछे, दाएं हाथ को ऊपर से घुमाते हुए घुटने की तरफ से पांव को पकड़े, गर्दन पीछे की ओर, धीरे धीरे बाजू ऊपर से घुमाते हुए वापस लाएं, टांग सीधी कर दें। अब दाएं हाथ का सहारा लेते हुए बाएं पांव को मोड़े, बाएं हाथ का सहारा लेते हुए दाएं पांव को मोड़े, वज्रासन में आए, दोनों घुटनों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ यहीं से भद्रासन में आएंगे, दोनों घुटने मोड़े, पांवों के तलवे आपस में मिला लें और ग्रिप करें, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, मैक्सिमम अपनी तरफ खींच रहे हैं पांव को, घुटने नीचे की ओर ढीले छोड़ दें, वापिस दंडासन में आ जाएं, वज्रासन की स्थिति लेंगे, दाएं हाथ का सहारा लेकर बाएं हाथ से बाएं पांव को पकड़े और मोड़ दें, फिर बाएं हाथ का सहारा लें, दाया पांव पकड़े और मोड़े, दोनों घुटने आपस में मिले हुए, पांव के अंगूठे मिलाकर रखें, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर बिल्कुल सीधी, इसी पोजीशन में बैठेंगे, ऊपर दाई भुजा सीधी, आपका चेहरा दाएं हाथ की तरफ ऊपर की ओर देखें, थोड़ी देर इसी पोजीशन में रुकेंगे, कोई भी आसन हो उसके रुकने में ही लाभ होता है, धीरे धीरे वापस पांव अंदर भुजाएं नीचे, अपने आसन पर बैठ जाएं। कौन आसन करेंगे, बायां पांव 2 से 3 फीट की दूरी पर रखें, दोनों पांवों में कम से कम 3 फीट का फासला, दोनों भुजाएं दाएं बाएं से ऊपर उठाएं, हथेलियां सामने की ओर, दाया पांव बाहर निकालें, श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे दाएं ओर झुके, दाएं पांव से पहले पांव के टखने को पकड़े, दाएं हाथ से दाएं पांव के टखने को पकड़े, उसके बाद गर्दन ऊपर घुमाएं, बाएं हाथ की हथेली को देखें, ऊपर वाली बाजू बिल्कुल सीधी,
धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठे, भुजाएं सीधी, पांव अंदर कर ले, मध्य में श्वास बाहर निकालते हुए गर्दन को दाईं ओर पीछे घुमाएं, आपकी जो ठोड़ी है वो दाईं कंधे की सीध में आ जाए, ऐसे घुमाना है। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए गर्दन बाईं ओर, आपकी ठोड़ी बाएं कंधे की सीध में, श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास बाहर निकालते हुए एक बार फिर दाईं ओर, श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास बाहर निकालते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए मध्य में। गोलाकार घुमाएंगे, ठोड़ी कंठ कूप से लगाएं, श्वास पूरा बाहर निकाल दें, श्वास भरते हुए दाईं से ऊपर, पीछे जाए तो रीढ़ के हाथ आएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे करें, गर्दन में झटका ना आए, श्वास बाहर निकालते हैं बाएं से नीचे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे, ठोड़ी कंठ कूप से लगाएं, एक बार फिर श्वास भरते हुए गर्दन पीछे, गर्दन रीढ़ के साथ लगाएं, श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे, श्वास भरते हैं मध्य में, मध्य में श्वास छोड़ते हुए अपना अपनी जो गर्दन है वो दाई साइड कंधे पर गिरा दें, दाया कान दाई कंधे पर, श्वास भरते हैं मध्य में, श्वास छोड़ते हैं बाया कान बाई कंधे पर, श्वास भरते हैं मध्य में, श्वास छोड़ते हुए दाया कान दाई कंधे पर ध्यान देंगे। अब दाई और करवट बदले, कोहनी का सहारा लेते हुए बैठ जाएं, चेहरा सामने की ओर, सुखासन या पद्मासन भी जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे बैठ जाएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेंगे, पहली उंगली और अंगूठा की जो टिप है वो आपस में मिलाएं, तीन उंगलियां बिल्कुल सीधी, आपकी हथेली का पीछे वाला भाग घुटने पर रहेगा, गर्दन और रीढ़ एक सीध में, आंखें बंद करें, श्वास नॉर्मल, माथा ढीला, धीरे धीरे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, पूरा श्वास बाहर निकालें, पेट अंदर की ओर खींच लें, धीरे धीरे पेट ढीला करते हुए नाभि से कंठ तक श्वास भरे, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाले, श्वास भरते धीरे धीरे ऊपर जाए, भुजाएं कानों के साथ रहेंगे, दाएं बाएं से नीचे, एक बार फिर श्वास भरते दोनों भुजाएं सामने से ऊपर उठाएं, खींचते ऊपर, श्वास भरते पीछे की ओर झुके, श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुके, दोनों हाथ पांव के दाएं बाएं, पांव के दाएं बाएं, कोशिश करें कि आपका माथा घुटनों के समीप हो जाए, घुटने सीधे रहेंगे, धीरे धीरे श्वास भरते हैं, भुजाएं गर्दन एक साथ ऊपर ले जाएं, दाएं बाएं से नीचे, और चक्रासन करेंगे, दोनों हाथ पीछे कमर पर रखें, श्वास भरते हैं पहले गर्दन पीछे झुकाएं, फिर कमर से पीछे झुक जाएं, सीधे सिर्फ कमर से झुकेंगे पीछे की ओर, बैलेंस बनाकर आंखें खोल कर रखें अपनी, धीरे धीरे वापस
के द्वारा अपने काम, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद व स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हो। शांति पाठ करेंगे, मेरे साथ साथ आप मेरे पीछे दोहराएंगे। सर्वे संतो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसका भावार्थ यह है कि आप सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी निरामय रहे, सबका मंगल हो, कोई दुखी ना हो। आंखें बंद रहेंगी, धीरे से दोनों भुजाओं को ऊपर उठाते हैं, दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, धीरे से अपनी आंखों पर रखें और अंधेरे में ही आंखों को खोलें और बंद करें। एक बार फिर दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, ये अपने चेहरे और पूरे शरीर पर जाते हुए आंखें खोल दें। धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो।